आज के इस ऐतिहासिक ऐतिहासिक तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश के इतिहास में प्रथम बार एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम पहले सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली है। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदे जो है वो बढ़ी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है, तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए। और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है, तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा, बताइए मानिएगा कि नहीं मानिएगा। तो खड़े हो करके ताली बजा करके हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए, हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और शुभ अवसर पर हम सब लोग कोई अच्छे दिन हम सब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। तो घर जाकर के सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
जय प्रकाश नारायण जी और बीपी मंडल जी को भी नमन कर धन्यवाद कहिएगा कि उनके विचारों और सिद्धांतों वाली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, धर्मनिरपेक्ष सरकार ने, न्याय प्रिय सरकार ने आप सबको इतनी अच्छी नौकरी देने का काम किया। और हम सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार को ये महापुरुष की प्रेरणा हम लोगों को इनसे मिलती है, इन्हीं महान नेताओं से प्राप्त और विचारों के कारण आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी विगत वर्षों से एकजुट हो और आपके एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है नौकरी जो है मिली है। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा, आज बड़े बेचैन होंगे लोग। इतना सकारात्मक काम हो रहा है बिहार सरकार नौकरी पर, एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में कोई डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। चौधरी जी ने तो कहा ही, वित्त मंत्री जी ने, लोग आरोप लगा रहे कि धांधली हुई है। हम तो उनसे कहना चाहते जो लोग कहते हो धांधली हो रही है, तुमने क्यों नहीं दे दिया लाखों में नौकरियां, क्यों नहीं दिया? कुछ लोग तो वादा करते 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता। यही बिहार ऐतिहासिक मैदान है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया, तो आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ, और ये एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को भी नियुक्ति पत्र जो है बांटने का काम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए, तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और पहले प्रथम चरण में तो लगभग 1,70,000 जो है अधिक पदों पर जो है नौकरी का आवेदन निकालने गए, जिसमें कि 1,22,000 पर नियुक्ति हो पाई है, बाकी का जो है वो सेकेंड फेज में आएगा, लेकिन लगभग 93% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं, और लगभग 88% जो है वो हमारे बिहार के हैं, और 12% जो है अन्य राज्यों के हैं। तो सकारात्मक कार्य हमारी सरकार कर रही है, इसलिए ज्यादा समय हम ना लेते हुए, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था, और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माई बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you.
तो बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है और हम लोग मिल करके जो है सब लोग जो है काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे, ये महागठबंधन सरकार बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि राज देश में टॉप 5 स्टेट में हम लोग होते। लेकिन फिर भी अपने बलबूते जीडीपी में टॉप 3 स्टेट में बिहार है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे और आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी नवनियुक्त अध्यापक और आप सब लोग और पूरे बिहार के वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं छठ पर्व के अवसर पर और जो दिवाली आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।